हेलो स्टूडेंट्स बेटा, आज चैप्टर वन उसकी एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर वन हम स्टार्ट करेंगे। उसके तकरीबन 10 पार्ट हैं 1.2 एक्सरसाइज के। तो इस वीडियो के अंदर हम कम से कम 5 सवालों को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो बेटा, आपसे गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखा करें। कुछ बच्चे जस्ट एक दो सवाल देख के उसको पॉज करके बंद कर देते हैं, तो इससे आपको बेटा कुछ समझ नहीं आएगी। तो ये देखें आप, जस्ट ये 1.2 एक्सरसाइज है। उसने कहा सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक यूजिंग क्वेश्चंस यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। यानी इसको आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला के तहत आपने सॉल्व करना है। इससे पिछली वीडियो अगर किसी दोस्त ने नहीं देखी तो वो पहले देख ले कि हाउ टू ड्राइव अ क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो वो आपको वो आना चाहिए कि क्वाड्रेटिक फार्मूला को कैसे ड्राइव करना है आपने। तो फिर आप अगर इनको सॉल्व करते हैं तो ये ज़्यादा आपके लिए थोड़ा सा हेल्पफुल हो जाएगा वो फार्मूला। अब देखें, आपको वो कभी भी किसी भी सूरत में कैसा भी सवाल को घुमा फिरा के दे, सबसे पहले आपने सवाल को उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है। यानी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है वो ये मैं लिख रहा हूँ ऊपर, यानी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो। यानी इसमें सबसे पहला नंबर जो है वो एक्स स्क्वायर वाला होना चाहिए, दूसरा बी एक्स यानी एक्स वाला, और सिंपल तीसरे नंबर पर आपका कॉन्स्टेंट नंबर आना चाहिए। तो यहाँ पर आपको देखें, ये ज़रा थोड़ा सा उसने इस तरह से नंबर दिया हुआ है। तो आप ऐसा करें, इन दोनों नंबर्स को उठा के उस तरफ ले जाएंगे, तो जब ये उस तरफ जाएंगे तो ये आपके पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और 7x पहले ही उस तरफ है, और ये जब 2 उधर जाएगा तो आपके पास ये 2 माइनस का हो जाएगा। तो देखें, एक्स उधर गया तो एक्स प्लस का हो गया, और जो 7 है वो उस तरफ जाके माइनस का हो जाएगा। तो ये आपके पास कुछ इक्वेशन इस फॉर्म में बनेंगी। अब आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि इस इक्वेशन के अंदर ए लिखा हुआ है, बी लिखा हुआ है, तो यहाँ पर तो एक्स लिखा हुआ है। तो ये बेटा ये कोफिशेंट है, यानी इस जगह पर एक्स का कोफिशेंट जो है कोफिशेंट वो 1 है। तो यानी यहाँ पर आपने सोच लेना है कि यहाँ पर एक जगह 1 है, बी इज़ इक्वल टू 7 है, एंड सी इज़ इक्वल टू विद साइन उठाना है -2 है। यहाँ पर देखें प्लस है तो आप जस्ट 7 लिख दें, लेकिन यहाँ एक्स की पावर यानी कोफिशेंट जो 1 है तो 1 उठा लें आपने। अगर यहाँ पर कहीं माइनस आ जाए, इधर आ जाए, इधर आ जाए, तो वो उसका साइन के साथ उठाएंगे आप ए और बी सी की वैल्यू को। अब आप फार्मूला लिखें, यानी एक्स इज़ इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो बेटा इसमें आप जस्ट इसकी वैल्यू पुट करें, उसको सॉल्व कर लें। देखिए बी क्या माइनस फार्मूले में है, बी ये लिखा हुआ है 7 प्लस एंड माइनस, ये भी फार्मूले की रिक्वायरमेंट है, और यहाँ पर एक बी स्क्वायर 7 का स्क्वायर माइनस 4ac 4b एज इट इज़ लिख लें। ए के आपके पास 1 है और सी के आपके पास माइनस 2 है डिवाइडेड बाय, ये देखें ना माइनस से शुरू करना है डिवीजन को और एंड तक यहाँ तक लेके जाना है, और इंटू 2a ए के आपके पास वो भी 1 है। ठीक, तो एक्स आपके पास इसे जस्ट आपने सिंप्लीफाई करना, देखिए माइनस 7 प्लस माइनस अंडर रूट 7 का स्क्वायर खोलना है तो ये आ जाएगा 49, और ये माइनस प्लस हो जाएंगे, 4 2 8 डिवाइडेड बाय 2, और देखें आप क्या हो रहा है, माइनस 7 प्लस माइनस अंडर रूट 57, क्योंकि ये देखें दोनों प्लस हो रहे हैं, और डिवाइडेड बाय 2। तो बेटा यहीं से आप देखें ना, इसका कोई कंप्लीट स्क्वायर नहीं बाहर निकल रहा, तो आप यहीं पे फाइनलाइज कर देंगे। यानी आप इसका लिखेंगे सॉल्यूशन सेट, ब्रैकेट बना के आप इसके अंदर लिख दें माइनस 7 प्लस माइनस अंडर रूट 57 डिवाइडेड बाय 2। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ गया। इसी का पार्ट सेकेंड देखें, उसको उसने जस्ट पहले ही अरेंज किया हुआ है। आप यहाँ से जस्ट आप वैल्यूज़ उठाएं, यानी ए इज़ इक्वल टू 5 है, बी इज़ इक्वल टू 8 एंड सी इज़ इक्वल टू 1 है। तो जस्ट आप फार्मूला यहीं से अप्लाई कर देंगे, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। बेटा हर क्वेश्चन के अंदर आपका फार्मूला मेंशन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक फार्मूला आप मेंशन नहीं करेंगे तो आप में आप मतलब सवाल के अंदर आपके सवाल में कन्फ्यूजन हो सकती है। क्योंकि देखिए ना, यहाँ पर साइन बहुत ज़्यादा मतलब अहमियत रखते हैं, कहीं पे भी आप साइन अगर फ़र्क कर दिया तो ये सारा सवाल ख़राब हो जाएगा।
माइनस फोर इंटू ए के आपके पास फाइव है, बी सी सी के आपके पास वन है। तो ये अंडर रूट देखें, पूरा ऊपर करें और यहाँ से डिवीजन शुरू करके यहाँ तक टू इंटू ए के आपके पास फाइव। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि ये देखें आप, ये डिवीजन का साइन यहाँ से माइनस से शुरू करके आप यहाँ एंड तक लेकर आएंगे और ये जो अंडर रूट का साइन है ये पूरे नंबर्स के ऊपर होना चाहिए। तो यहाँ से आ गया आपका माइनस एट प्लस माइनस अंडर रूट, एट का स्क्वायर खोलेंगे 64 माइनस फोर फाइव ज़ा 20 और इंटू वन करेंगे तो 20 ही आएगा आपके पास और फाइव टू ज़ा 10। तो यहाँ से आप देख लें आपके पास क्या रहा है, माइनस एट प्लस माइनस अंडर रूट दोनों माइनस हो रहे हैं, तो माइनस करने से आपके पास क्या आ जाएगा, 64 में से 20 निकल जाएगा तो आपके पास 44 आ जाएगा, तो डिवाइडेड बाय 10। देखें ना, 5 टू ज़ा 10 आ गया आपके पास, डैट इज़ इक्वल टू एक्स। तो इस 24 को अब आप देख लें कि ये अगर तो कोई कुछ कम्प्लीट स्क्वायर इसमें से बाहर निकल रहा है तो आप वो निकाल रहे हैं, अगर नहीं तो आप एज इट इज़ भी आंसर दे सकते हैं। तो देखें यहाँ पर, देखें आप मेरे पास ये निकल रहा है, अगर मैं इसको लिख लूँ 11 इंटू 4, तो ये देखें 11 इंटू 4 करेंगे तो 44 ही आएगा। क्यों 44, मतलब 4 मैं इंटू कर रहा हूँ 11 के, देखें ना इसमें से 4 मेरे पास 2 आ जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा। तो ये देखें इसमें से मैं 2 एज इट इज़ 2 यानी 4 का अंडर रूट लूँगा तो 2 बाहर आ जाएगा, 11 को मैं अंदर ही लिखता हूँ और डिवाइडेड बाय 10। यहाँ से x और इज इक्वल टू, दोनों में देखें 2 कॉमन आ रहा है, जैसे ही आप 2 इसमें से कॉमन लेंगे तो आपके पास जो अंदर वैल्यू आएगी वो आएगी माइनस 4 प्लस माइनस अंडर रूट 11 डिवाइडेड बाय 10। तो बेटा इसके आगे ही स्टेप कर रहा हूँ, ये देखें ये 2 इससे कैंसिल होके माइनस 4 प्लस माइनस अंडर रूट 11 डिवाइडेड बाय 5। तो ये आपका समझ लें सॉल्यूशन सेट आ गया। तो बेटा ये इसका क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें जस्ट उसने देखें आपको ए बी और सी यानी इस तरह से कुछ इस फॉर्म में दिया हुआ है, आप इसको जस्ट पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आएंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो, यानी ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो इसमें देखें ये आपके पास जब लिखा हुआ है अंडर रूट 3x का स्क्वायर प्लस एक्स माइनस, जब ये इधर वैल्यू आएगी तो ये माइनस हो जाएगी तो उस तरफ आपके पास ज़ीरो रह जाएगा। तो आप यहाँ से देखें आप ए जो उठाएँगे ये पूरी वैल्यू उठा लेंगे अंडर रूट 3, बी आपके पास जो है वो यहाँ पर वन है एंड सी इज़ इक्वल टू माइनस फोर अंडर रूट 3 है। देखें ना ये पूरी वैल्यू आपकी सी है, ये वाला एक्स की वैल्यू जो वो आपके पास बी है। अब आप जैसे ये चीज़ आ जाती है तो आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखें, वो क्या आपके पास है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी डिवाइडेड बाय 2a। तो देखें x इज इक्वल टू माइनस बी, बी क्या आपके पास 1 है प्लस माइनस अंडर रूट बी 1 है माइनस 4 4 ए सी, ए क्या आपके पास है अंडर रूट 3 इंटू 4 माइनस 4 अंडर रूट 3। तो ये देखें ना बेटा c की वैल्यू हमारे पास ये है, तो ये नीचे आप 2 इंटू अंडर रूट 3 लिख देंगे जो भी इसकी वैल्यू होगी। ये देखें ए की वैल्यू अंडर रूट 3 है, सी की वैल्यू माइनस 4 अंडर रूट 3 है। तो ये जस्ट मैंने इनकी वैल्यूज़ को पुट किया है। तो यहाँ पर आप देखें आगे क्या मज़ीद इसकी सिंप्लीफिकेशन हो रही है, तो यहाँ पर सॉरी बी का स्क्वायर लगाया ना, क्योंकि बी का स्क्वायर यहाँ पर आता है तो 1 ही होगा माइनस ये और ये माइनस, यहाँ पर ये प्लस हो जाएगा, ये वाला नंबर बाहर है और ये वाला नंबर बाहर है, और ये वाला देखें नंबर 4 ये वाला क्या आ जाएगा आपके पास 16, और ये देखें अंडर रूट और अंडर रूट, ये अंडर रूट क्या हो जाएगा अंडर रूट 3 का स्क्वायर, देखें ना दो नंबर पाए जा रहे हैं और नीचे 2 अंडर रूट 3 एज इट इज ही रहेगा, ये इक्वल टू किसके है एक्स के है। तो बेटा आपसे भी ये एक गुजारिश है कि जब भी एक स्टेप करें तो उसके अंदर कम से कम एक लाइन का डिफरेंस ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि देखें ना एक दूसरे के अगर आप बिल्कुल साथ साथ स्टेप लिखेंगे तो ये उसके नीचे ही घुस जाएगा, कुछ पता नहीं चलेगा कि कौन सा स्टेप कैसे हो रहा है। तो हर स्टेप में आपने कम से कम एक लाइन का डिफरेंस ज़रूर रखना है। तो माइनस भी प्लस माइनस यहाँ से क्या आपके पास आएगा 1,
ये देखें यहाँ से आपके पास आ गया 16 इंटू ये अंडर रूट से ये कैंसिल होके 3 बाहर आ जाएगा, नीचे 2 अंडर रूट 3 हमने एज इट इज ही लिख दिया। एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट, यहाँ से देखें 1 और ये आप अगर इस पर करते हैं मल्टीप्लाई तो यानी 16 को 3 से करें तो ये 48 आ रहा है, यानी 16 इंटू 3 48 और 1 ये वाला प्लस करेंगे तो ये 49 बन जाएगा आपके पास, और नीचे वाला 2 अंडर रूट 3 एज इट इज़ आ गया। इसके आगे ही मैं ये स्टेप कर देता हूँ क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि इसी पेज के ऊपर ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो ये देखें आपके पास सर ये बेटा ये 1 है, 1 आपने लगाना है क्योंकि हम यहाँ पर बी जब एडजस्ट करते जा रहे हैं तो 1 ये एज इट इज़ आएगा। देखें माइनस 1 प्लस माइनस ये आपके पास जो आ जाएगा 49 का अगर आप अंडर रूट लेते हैं तो ये आपको पता है 7 के इक्वल है, डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट 3 आ गया। अब यहाँ पर आप देखें आपके पास जो आ रही है वैल्यू माइनस 1 प्लस माइनस 7 आई है क्योंकि ये अंडर रूट से बाहर आ गई है। अब आप इसको क्या करेंगे, इस साइन को एक बार प्लस के साथ एक बार माइनस के साथ सॉल्व करेंगे, यानी एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस 7 डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट 3, एक तो ये नंबर आप कर लेंगे। इसी तरह से एक्स इज इक्वल टू माइनस 1, ये तो प्लस के साथ किया, अब 7 के साथ माइनस के साथ करेंगे तो 2 अंडर रूट 3 आ जाएगा यहाँ से। तो ये देखें यहाँ से क्या आ रहा है हमारे पास, यहाँ से आ रहा है 6 डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट 3, देखें ना 7 में से एक निकल जाएगा तो 6 आ जाएगा, और ये वाला जो इससे कटेगा तो आपके पास क्या नंबर आएगा आगे नेक्स्ट, 3 ओवर अंडर रूट 3। तो बेटा यहाँ से आप देखें इस अंडर रूट 3 को अगर मैं ऊपर वाले अंडर रूट 3 को डबल लिख लूँ इस तरह से और नीचे अंडर रूट 3 एज इट इज ही लिख लिया, देखें ना ये जो 3 है इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, देखें इन दो नंबर्स का अगर वापस हम स्केयर करते हैं अंडर रूट स्केयर से कैंसिल हो जाएगा और वापस 3 आ जाएगा, और ये देखें जब डबल अंडर रूट लिख लिया ये एक कैंसिल हो जाएगा और अंडर रूट 3 यहाँ से मेरे पास एक तो आंसर आ जाएगा। दूसरा नंबर यहाँ से आप सॉल्व करें, देखें ये दोनों माइनस माइनस के माइनस 8 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट 3 होगा, ये इससे कैंसिल होके माइनस 4 बाय अंडर रूट 3 आ जाएगा। ठीक, तो सॉल्यूशन सेट में आप क्या देंगे, एस एस मतलब वो आप लिखेंगे अंडर रूट 3 एंड कॉमा माइनस 4 अंडर रूट 3। तो ये बेटा आपने ब्रैकेट लगा देनी, कोशिश करनी है आपने इसको कॉपी करना और इसको पेज के नीचे नीचे आप इसको लेके जाएं, इंशाल्लाह आप इसको अच्छे तरीके से कर सकेंगे। इसी में क्वेश्चन नंबर 4 जो लिखा हुआ है कुछ इस तरह से है, 4x² - 14 = 3x है। तो यहाँ से पहले इसे आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आएंगे, देखें 4x² इधर ये 3 इधर आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा और -14 = 0 आ जाएगा। तो यहाँ से आप a = 4 रख लें, b = -3, c = -14। तो बेटा अब मैं थोड़ा सा जल्दी में कर रहा हूँ, जस्ट आपको इसकी समझ आ चुकी है, अब आपने ख़ुद से ट्राई करनी है, कोशिश करें इसको ख़ुद से करने की तो इंशाल्लाह आप कर सकेंगे। देखें माइनस बी मेरे पास माइनस 3 है, प्लस माइनस अंडर रूट बी क्या है, बी मेरे पास माइनस 3 का स्केयर है, माइनस 4 इंटू ए सी, ए क्या है आपके पास 4 है तो सी क्या है आपके पास माइनस 14 है। तो यहाँ से आपका 2 ए क्या है, वो ए आप हमारे पास 4 है, तो ये हमने 4 यहाँ पर पुट कर दिया। तो अब आप जस्ट इसे सिंपलीफाई करेंगे, देखें 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 का स्केयर खुलेगा 9 आ जाएगा, माइनस 4 को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के लिए देखें कैलकुलेटर हम सब ने ले आते हैं, तो यहाँ पर हम करेंगे 4 4 16, 16 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 14 से तो ये हमारे पास 224 आ रहा है, और देखें माइनस माइनस ये वाला साइन आपके पास प्लस हो जाएगा तो 224 हम यहाँ लिख लेंगे डिवाइडेड बाय, देखें ये दोनों आपके पास 8 हो जाएगा। तो बेटा ये दोनों प्लस हो रहे हैं, 224 में प्लस हम करते हैं 9 तो ये हमारे पास आ रहा है 233, ये दोनों प्लस हो जाएंगे अंडर रूट के नीचे, प्लस माइनस माइनस 3 डिवाइडेड बाय 8 एज इट इज़ लिख लिया हमने। तो यहाँ पर आप ख्याल करें कि क्या ये कोई कंप्लीट स्क्वायर किसी नंबर का है तो नहीं है, तो लिहाजा चेक करें, देखें कोशिश करें इसको करने की अच्छे तरीके से। तो यहाँ पर आप देख लें ज़रा, यहाँ पर आपने एक छोटी सी गलती ये नहीं करनी कि माइनस, देखें ना माइनस ये फार्मूले का और ये माइनस आपकी वैल्यू में है, तो यहाँ पर ये देखें ये माइनस यहाँ पर भी लगाएं और ये माइनस माइनस जो होंगे ये प्लस हो जाएगा, तो आपका जो सॉल्यूशन सेट आएगा
वो 3 प्लस माइनस अंडर रूट 233 डिवाइडेड बाय 8, ये आप इसका सॉल्यूशन सेट देंगे। तो बेटा ये इसका क्वेश्चन नंबर 5 है, जो कि इस वीडियो में लास्ट क्वेश्चन है इसका। हाँ जी, तो बेटा ये इसका क्वेश्चन नंबर 5th है। 5th में भी जस्ट सबसे पहले हम इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएंगे, और स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो। तो देखें इसमें 6x स्क्वेयर पहले आ जाएगा, माइनस 7x माइनस 3 इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ पर हम लिखेंगे a इज़ इक्वल टू 6 है, b इज़ इक्वल टू माइनस 7 एंड c इज़ इक्वल टू माइनस 3 के। तो हम इसका क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखते हैं, x इज़ इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वेयर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। x इज़ इक्वल टू माइनस माइनस b, b इज़ इक्वल टू माइनस 7 है, तो वो उसका साइन अंदर आप लगा देंगे। यहाँ पर भी माइनस 7 का स्केयर माइनस 4ac, 4 आपके पास फॉर्मूले के अंदर ac, a आपके पास 6 है, इनटू c इज इक्वल टू माइनस 3 हो जाएगा। तो ये अंडर रूट का साइन आप आगे को बढ़ा दें। तो यहाँ पर 2 इंटू ए आपके पास 6 है, तो ये देखें दोनों माइनस माइनस, ये प्लस 7 हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट, यहाँ पर 7 7 49 इसका आ जाएगा स्क्वेयर। और इन दो तीनों को आपने मल्टीप्लाई करना है, तो तीनों को मल्टीप्लाई करने के लिए देखते हैं क्या आता है। 4 इंटू 6 इंटू 3, तो ये बेटा आपके पास 72 आ रहा है, ये माइनस और ये माइनस, प्लस हो जाएगा 72। तो इसमें 49 हम प्लस करते हैं, 49 तो 121 ये टोटल बन जाएगा। इसको नेक्स्ट स्टेप पे हम लिखेंगे, 6 2 12 हो जाएगा आपके पास इक्वल टू एक्स, एक्स इज इक्वल टू देखें प्लस माइनस अंडर रूट, ये बेटा 121 दोनों को मल्टीप्लाई करने से होगा, नीचे 12 एज इट इज़ आ गया। यहाँ से ये देखें ये कंप्लीट स्क्वेयर ऑफ 11 है, तो यानी एक्स इज इक्वल टू 7 प्लस माइनस 11 डिवाइडेड बाय 12 आ गया आपके पास। तो इसको आप बेटा एक बार प्लस के साथ लिख लें, डिवाइडेड बाय 12, एक्स कॉमा लगा के एक्स इज इक्वल टू 7 माइनस 11 के साथ लिख लें, डिवाइडेड बाय 12। तो देखें यहाँ से ये आपके पास 11 प्लस 7 करेंगे तो ये 18 आ गया, 18 बाय 12। तो दोनों को आप काट दें, 2 पे काटेंगे तो ये 9 बाय 6 आ जाएगा, बल्कि आप ऐसा करें 6 पे काट दें तो 6 3 18, 6 2 12 हो जाएगा। एक तो आपका एक्स आंसर यहाँ से आया, दूसरा आपका आंसर यहाँ से आएगा, एक्स इज इक्वल टू ये दोनों माइनस होंगे तो आपके पास आ गया, देखें 11 माइनस अगर आप करते हैं 7 तो आपके पास जो आंसर आ रहा है वो 4 आएगा, 4 डिवाइडेड बाय 11 12, लेकिन ये 4 माइनस में है क्योंकि बड़ी रकम माइनस किया। तो यहाँ से आपके पास देखें 4 1 4 और नीचे 3 आ जाएगा, यानी 1/3 आपका एक्स यहाँ से आया। तो आपके पास जो सॉल्यूशन सेट आ रहा है SS जो लिखेंगे तो वो आपके पास देखें ना -1/3 है कॉमा 3/2 है, तो ये आपका सॉल्यूशन सेट आ गया। तो बेटा यहाँ तक तो हमारे इसी वीडियो के अंदर क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने सॉल्व किया, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर भी हम 5 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जिसमें से एक दो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से। इन सवालों की भी बार बार आप प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह ये भी इनमें से भी कोई ना कोई भी वो आपको एग्जामिनर जो है वो उठा के दे सकता है, तो आपको ये भी करने आने चाहिए। ओके बेटा, अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर करें। बाय।